माँ बाप ने शादी की तब से बच्चे पेट पड़े, तब से हम लोग ने मेहनत संभाल ली है। तो जो बड़े बड़े लोग हुए पठानों की दुकान पे जाते और हमारे पास कम आते लोग। हमारे बाप दादा कर रहे थे, फिर हमारी दादियाँ कर रही थी, फिर उनको देख के हम लोग ये कारोबार कर रहे हैं। इंडिया में आप लोगों की अपनी ज़मीनें हैं, आप लोग जाना चाहते हैं कि आप लोग इंडिया वापस चले जाएं? मुझे मेरे ईश्वर पे भरोसा है, मैं मर्द बन के बैठी, औरत बन के नहीं बैठी। नहीं तो मेरे शोर जाते थे, मैं भी, हमारे में क्या है, औरतें भी करती है, मर्द भी करते, हम दोनों मिलके करते, दोनों मिलके हम लोग कारोबार करते, एक जना नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे साथ मौजूद खातून को देख सकते हैं, ये एक हिंदू खातून है। ये कराची इम्प्रेस मार्केट के बाहर ये ड्राई फ्रूट्स का सामान सेल कर रही होती है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा जो है यहाँ पर गुजार दिया है। आइए आज इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपनी यहाँ पे ज़िंदगी कैसे गुजारी। बस भैया, हम लोग तो इधर मेवा बेचते, जब से शादी संभाली, शादी हुई, माँ बाप ने शादी की, तब से बच्चे पेट पड़े, तब से हम लोग ने मेहनत संभाल ली है। ये मेहनत करते हैं, झोड़िया बाजार से माल लाते हैं, माल ला के इधर आके माल लगा के बैठते हैं, जो अपने बच्चों का बनता है और शाम को लेके चले जाते घर पे, फिर सुबह 10 बजे 11 बजे इधर आते, वापस माल लगाते, फिर वापस शाम को बेच के 10 11 बजे घर चले जाते। जैसे कि पहले कभी हमारा 50-60 हज़ार का कारोबार होता था, अब उसकी ठिकाने हमारा हो रहा है 6 हज़ार का, कभी 5 हज़ार का, कभी 7 हज़ार का, बस ऐसे हमारा कारोबार हो रहा है। बस उसी के अंदर हमारे बच्चों का गुजारा चला। ऊपर वाला जान रहा है, अल्लाह पाक जान रहा है कि किस तरीके से हम अपने बच्चे का गुजारा कर रहे हैं, वो ऊपर वाला जानता है भाई। आपके अलावा घर में और भी कोई है कमाने वाला? यहाँ पर अकेली यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह सेल करके कमाती हैं और उसी से घर चलाती हैं, उसी से घर, उसी से घर चला रहे हैं और उसी से हमारे बच्चों का हो रहा है हर चीज़ इसी के अंदर। जैसे कि हम लोग का कोई हुनर या कोई कारोबार बड़ा कोई हो, कुछ भी नहीं, इसी के अंदर है। शुक्र है मेरे मालिक का, जो होता था तब हमारा भी हो जाता था, पर अब नहीं हो रहा है। महंगाई की वजह से हम लोग के कारोबार के अंदर बहुत डिफरेंस आ गया है और हम लोग का कारोबार अभी बहुत ठंडा हो गया। चारों तरफ इधर पठानों की दुकान भी खुल गई है, तो जो बड़े बड़े लोग हैं पठानों की दुकान पर जाते और हमारे पास कम आते लोग ऐसे। अच्छा, ये जो काम था आप लोग पीछे भारत से लेके आए थे, इसका क्या सिलसिला, ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ कि आप लोगों ने ड्राई फ्रूट सेल करना शुरू किया? ये तो हमारे बाप दादा जो थे ना पहले, वो करते थे, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक नहीं हुआ था उसके पहले के कर रहे थे। हमारे बाप दादा कर रहे थे, फिर हमारी दादियाँ कर रही थी, फिर उनको देख के हम लोग ये कारोबार कर रहे। जब तुम्हारा ये पाकिस्तान हिंदुस्तान एक नहीं, एक एक ही था और इधर कोई झगड़े पंचायत नहीं थे, हमारे दादा परदादे इधर थे, हमारी खुद की पैदाश इधर है। जो हमारे दादा लोग थे वो भी चल के जाते थे, चल के आते थे। इंडिया में आप लोगों की अपनी ज़मीनें हैं, आप लोग जाना चाहते हैं कि आप लोग इंडिया वापस चले जाएं? उधर अपना है ही नहीं, कुछ भी अपना नहीं है, अपनी ज़मीन बमीन कुछ भी नहीं है। अगर होता तो फिर इधर से छोड़ के चले नहीं जाते थे, कुछ भी नहीं है। इधर भी किराए पर पड़े, उधर भी जावे तो किराए पर ही रहेंगे। बस ये है कि अपना कारोबार कर रहे, किसी के पास भीख नहीं मांग रहे, हाथ नहीं फैलाते। लाख शुक्र है मेरे ईश्वर का कि किसी के पास भीख मांगने से बचे हुए। आपको ये काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? ये काम करते हुए मुझे 28 साल हो गए। पाकिस्तानी हुकूमत से आप क्या अपील करना चाहती हैं? बस हम तो यही चाहते हैं कि भैया देखो, आपसे जो बने तो आप हमारी गरीबों की मदद करेंगे और हम इधर रहते हैं तो देखो, इस मिट्टी का खा के हम कभी, है ना, हमारे बाप दादा भी इधर रहते थे और हम लोग भी पढ़े, पर पाकिस्तान का खा के, इस मिट्टी का खा के हम कभी, है ना, वो थाली में छेद नहीं करेंगे। अच्छा, आपने अपनी ज़िंदगी के 28 साल इस काम में गुजारे हैं, इस रोड पे गुजारे हैं, कभी आपने माशरे की तरफ से कोई ऐसी चीज़ देखी हो जिससे आपको ये फील हुआ हो कि नहीं, अब यहाँ पर रोड पर बैठ के ऐसे काम नहीं करना चाहिए? ये होता है, काम नहीं करना चाहिए, पर अभी क्या करेंगे। ऐसी फील तो मुझे बहुत हो रही है बेटा, कि जैसे कि अभी ऐसे ऐसे लोग आते, किसको बोलने जाएंगे बेटा, किसी को बोले जैसा नहीं है। देखो, मेरा ज़मीर अच्छा है ना, मेरा दिलो ईमान तो सब कुछ अच्छा है। अगर मेरा दिलो ईमान गंदा हो गया ना, फिर रोड पे बैठना मेरा ना मुश्किल है। जब तक मेरा दिलो ईमान सच्चा है ना, मुक्तबिल पक्का, तब तक मुझे मेरे ईश्वर पे भरोसा है, मैं मर्द बन के बैठी, औरत बन के नहीं बैठी। चाहे अगला बार बेचने वाला क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, उससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं, मुझे अपने ईमान से मतलब है। आप मुझे ये बताएं, आपकी ये काम करने के पीछे क्या रीज़न थी? आपके शोहर भी तो कमा सकते हैं, लेकिन आप घर से बाहर क्यों कमाने निकले? बेटा, मेरे शोहर पहले करते थे बेचारे, मैंने क्या बोला कि उनको सीने पे ऐसे दाने हो गए और बीमार से हो गए, तभी अभी मजबूरी के कारण नहीं आ रहे।
नहीं तो मेरे शोर जाते थे। मैं भी, हमारे में क्या है, औरतें भी करती है, मर्द भी करते, हम दोनों मिलके करते, एक जने नहीं करते, दोनों मिलके हम लोग कारोबार करते, एक जना नहीं करते। हमारी दादी जो थी ना वो भी करती थी, हमारे दादा भी करते थे और हम लोग भी करते। अच्छा, आपको कभी पाकिस्तान में रहते हुए अपने मज़हब की तरफ से कोई ऐसी चीज़ तो देखने को नहीं मिली जिससे आप बर्दाश्त न कर पाई हो? जैसे मतलब? मतलब जो आपको बैड फील कराए कि ये चीज़ गलत है पाकिस्तान में बोली जा रही है। अच्छा, नहीं नहीं वो सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है वो। बिल्कुल, आप लोगों को यहाँ पर पाकिस्तान में आज़ादी दी हुई है वैसे जैसे इंडिया में? इंडिया में भी ऐसी ही आज़ादी है, जैसे आप इधर आज़ादी दे रहे हो ना भैया, ऐसे आज़ादी उधर भी है, ऐसे नहीं है कि नहीं है। उधर भी आपके मुसलमान, जैसे तुम्हारा मुसलमान इधर एक रुपया पर्सन है ना, तो उधर चार रुपया पर्सन है, जैसे समझ लो 5% उधर मुसलमान ज़्यादा पड़े, इधर से ज़्यादा उधर है, इधर कम है। उधर गांव गांव में मुसलमान पड़े, पर उधर भाई बहनों की तरह रहते। बस नहीं बोलते कि इंसान का दिल और ईमान वो अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। अगर मैं इधर देखो बेटा बैठूंगी ना, मैं इतनी बुढ़ी हूँ, भले मैं 40-45 अभी मेरी 45 साल की उम्र है, सही है, 45 साल की मेरी उम्र है, अगर मैं अपनी गंदेपन इधर करूँगी ना तो सारे लोग गंदे हो जाएंगे। अगर मैं अच्छी हूँ ना मेरा बेटा, तो किसी के बाप की ताकत नहीं है जो मेरे शरीर को या मेरे सामने कोई मेरा हाथ लगा सकता है। मैं मीडिया भी जा सकती हूँ, मैं पुलिस वाले को भी बुला के कह सकती हूँ, फौजी को भी कह सकती हूँ। अगर वो उससे नहीं होगा तो यहाँ मारेंगे या खुद मरेंगे, पर अपनी इज्जत पे आँच नहीं आने देंगे। इतनी तो हमारे ईश्वर ने हमें ताकत दे रखी है। बाहर बैठे हैं तो इतने डरे हुए नहीं, हम मर्द बन के बैठी हूँ। मैं बाहर निकलती हूँ तो ऐसे समझती हूँ कि अपना शोर बन के बैठी हूँ, घर जाती हूँ तो ऐसा लगती हूँ कि हाँ मैं अभी बीबी हूँ, ऐसे समझती हूँ।